हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएसवाई दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग 13वां लेक्चर देख रहे हैं जो एनवायरनमेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड है, और इसमें हम लोग देखेंगे भूमि निम्नीकरण और नगरीय ऊष्मादीप। ठीक, यानी कि जल जो भूमि प्रदूषण या लैंड डिग्रेडेशन इसे कहेंगे, या आप भूमि प्रदूषण भी कह सकते हैं, मृदा प्रदूषण। ठीक, और ये आपका नगरीय ऊष्मादीप यानी अर्बन हीट आइलैंड। ठीक, इन दोनों के बारे में देखेंगे। इसमें देखा जाएगा कि अर्बन हीट क्या है, ठीक, इसका प्रभाव क्या होता है, इसकी रोकथाम क्या है। ठीक, और साथ ही साथ जो भूमिगत या भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण या भूमि निम्नीकरण के बारे में भी हम लोग देखेंगे, उसकी रोकथाम के लिए उसके क्या कारण हैं जिस वजह से मृदा जो है प्रदूषित होती है। ठीक, तो इसमें आप लास्ट तक देखिएगा। और ये आपका जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक की बात कर रहे हैं, ये आपका नगरीय ऊष्मद्वीप, ठीक, जो अर्बन हीट आइलैंड, ये न्यू टॉपिक है। ठीक, और ये न्यू एडेड टॉपिक है, साथ ही साथ ये आपका यूपीएससी के भी सिलेबस में है, मुख्य परीक्षा में, ऑप्शनल ज्योग्राफी में भी ये सिलेबस में है, और अन्य सिविल सर्विसेज जो आपके स्टेट सिविल सर्विसेज हैं वहाँ पर भी आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल में ये टॉपिक है। साथ ही साथ पर्यावरण में भी आपका, चाहे आप पर्यावरण का डिटेल जब जाएंगे तो उसमें भी आपका नगरीय ऊष्मद्वीप है। ठीक, आइए सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यदि चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे आपके सामने दिया गया है प्रश्न कि नगरीय ऊष्मद्वीप यानी अर्बन हीट आइलैंड। ठीक, तो अर्बन हीट आइलैंड की बात करें तो जैसा कि आप इसके शब्द से ही स्पष्ट करिए, नगरीय ऊष्मद्वीप। ठीक, पहले तो ये नया शब्द है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये आखिर क्या होता है। ठीक, तो ये आप द्वीप का वो मतलब मत समझिएगा कि चारों ओर जल से घिरा हो। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि बड़े शहरों के केंद्रीय भाग, शहरों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा गर्म होते हैं। इस प्रकार ऐसे अपेक्षाकृत गर्म भाग को या गर्म शहरों को अर्बन हीट आइलैंड के नाम से जाना जाता है, जैसे दिल्ली। ठीक, इसके अलावा बात इसका स्पष्ट ये है कि नगरीय ऊष्मद्वीप यानी कि जो भी नगर हैं, बड़े बड़े नगर हैं, जाहिर सी बात है कि जहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन इकट्ठा होगी, या जो आप ये कह सकते हैं कि बाज़ारों का एक हब टाइप का माना जा सकता है, जैसे आपके आसपास के जो नगर हैं या जिस नगर में आप रह रहे हैं वहाँ के आसपास जो चौक होते हैं, ठीक, चौक या सिविल लाइन्स एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा जाम वगैरह लगते हैं, ट्रैफिक लगती है, भीड़ लगती है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो आसपास के जो एरिया या उसके जो स्प्रावल क्षेत्र होते हैं या कन्जर्वेशन एरिया जो होता है वहाँ के क्षेत्र से यहाँ का जो मिडल एरिया का तापमान या जो आपके शहरों का कोर एरिया होता है वहाँ का तापमान अधिक होता है, तो उसकी अपेक्षा इस जो कोर एरिया को ही नगरीय ऊष्मद्वीप की संज्ञा दी जाती है। ठीक, तो उम्मीद है आप सभी लोग इससे स्पष्ट हो गए होंगे। अब यहाँ से आइए, आपको हम फिगर के माध्यम से यहाँ पे स्पष्ट करा देते हैं। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सूर्य की के प्रकाश यहाँ से दिखाए गए हैं। ठीक, यहाँ से ये आपका आता है, और ये आपका जो कोर एरिया हो गया, और ये एरिया आपके ग्रामीण क्षेत्र वाले हो गए। ठीक, इधर जो आप देख रहे हैं पेड़ पौधे हरियाली वगैरह देख रहे हैं, तो आपके आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र या इसके कन्जर्वेशन एरिया या ठीक सन्नगर के आसपास के क्षेत्र जो हो गए। ठीक, अब उसके बाद देखा जाए ये वाला जो पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट है, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे ऊष्मा आएगी और ऊष्मा का विकरण वगैरह, तो इसकी वजह से यहाँ पे चूँकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने के साथ साथ इमारतें यहाँ पे घनी इमारतें हैं और ट्रैफिक जाम की समस्या यहाँ पे होती है, तो विभिन्न प्रकार के अनेक प्रकार की क्रियाएं यहाँ पे देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ ऊष्मा का जो विकिरण का प्रभाव है यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। ठीक, तो इस वजह से ये वाला जो एरिया है वो आसपास के एरिया से ज़्यादा इसका टेम्परेचर होगा, अतः इसको हम लोग उष्ण नगरीय द्वीप या नगरीय ऊष्मद्वीप कहेंगे। ठीक, आगे है कि ऊष्मद्वीप या नगरीय ऊष्मद्वीप निर्माण के लिए क्या कारक उत्तरदायी होते हैं, कि आखिर ये नगरीय ऊष्मद्वीप उत्तरदायी होता है।
ये टॉपिक इसलिए न्यू एडिड है पर्यावरण भूगोल में क्योंकि अक्सर ये आप से रिलेटेड है, इसलिए आपको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए कि क्या कारण होता है। तो पहला है कि प्रत्यक्ष प्रदूषण। प्रत्यक्ष प्रदूषण से तात्पर्य क्या है? प्रत्यक्ष प्रदूषण यानी कि जो आपका उद्योग हो गया, आगजनी हो गई, ठीक, इससे क्या होता है कि गीजर जो घरों में यूज किया जाता है या ब्लोअर यूज किया जाता है, तो इससे आपका जो प्रदूषण है ये प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है, ठीक। उष्मादीप के शहरी उष्मादीप के निर्माण में ये प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं डायरेक्ट। दूसरा है उष्मा का अवशोषण, जो ऊंची इमारतें होती हैं या डामर हो गए, कंक्रीट के जो सड़कें बनाई जाती हैं, ठीक, तो इनसे क्या है अधिक मात्रा में उष्मा का अवशोषण होता है। तो उष्मा का अवशोषण होगा तो उतनी मात्रा में उष्मा का विकिरण के माध्यम से निकाल नहीं पाते हैं या वापस ये छोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ पे अधिक ज़्यादा सघन आबादी पाई जाती है, ठीक। इस वजह से जो नगरी क्षेत्र ये वाला पार्ट है कोर एरिया, वो आपका आसपास के एरिया से अधिक टेम्परेचर बना रहता है। वाहनों के एसी और वाहन के चलने से जो धुएं निकलते हैं उससे जनरेटर आदि से उष्मा का उत्सर्जन होता है, तो जो नगरों के उष्मा दीप या शहरी दीप के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। अगला है कि शहरी ज्यामिति, जो शहरों की बनावट होती है उसके बारे में देखें तो इमारतों की ऊंचाई देख लिया जाए तो ज़्यादातर होती है सापेक्षिक दूरी उनके बीच की, जो इमारतों के बीच की दूरियाँ होती हैं, ठीक। साथ ही साथ शहरी अवसंरचना जो होता है, ठीक, इनसे क्या होता है कि जो ऊर्जा है या उष्मा है अवशोषित होती है लेकिन परावर्तित विकिरण की मात्रा प्रभावित होती रहती है, ठीक। तो ये सभी उत्तरदायी कारण हैं किसके, नगरी उष्मा दीप के। नगरी उष्मा दीप का क्या प्रभाव है, आखिर इसको पढ़ते क्यों हैं हम लोग? तो इसके कुछ बैड इफ़ेक्ट भी होंगे या पॉजिटिव इफ़ेक्ट होंगे, तो इस वजह से इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इसके बैड इफ़ेक्ट ही होते हैं। तो बैड इफ़ेक्ट क्या है कि ऊर्जा की मांग में वृद्धि होती है। ऊर्जा की मांग में कैसे वृद्धि होगी, जब उष्मा बढ़ेगा उस कोर एरिया का, तो जाहिर सी बात है कि उस एरिया को ठंडा करने के लिए या लोग अपने घरों में उसका टेम्परेचर कम करने के लिए, कूलिंग के लिए ऊर्जा की मांग में वृद्धि होगी, यानी एसी वगैरह चलाएंगे तो एनर्जी खपत होगी, तो जिससे विद्युत की भी खपत बढ़ जाएगी, ठीक। साथ ही साथ दूसरा प्रभाव है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और वायुमंडल के प्रदूषण में भी वृद्धि हो जाती है, यानी कि विद्युत की मांग बढ़ेगी जिसके कारण विद्युत निर्माण कंपनियां अधिक मात्रा में जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करेंगी। जब जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करेंगे जिससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ेगा, और जब ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ेगा इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, वायु प्रदूषण होगा, ठीक। मानव स्वास्थ्य के लिए असुविधा और खतरा तीसरा जो प्रभाव है। कैसे है असुविधा और खतरा, कि शहरी उष्मा दीप के कारण श्वसन संबंधी बीमारियाँ तो होंगी, हीट स्ट्रोक आएगा, सिर दर्द होगा, ऐठन होगी आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मौसम और जलवायु पे भी प्रभाव पड़ता है। मौसम और जलवायु पे कैसे प्रभाव पड़ता है कि शहरी उष्मा दीप के कारण स्थानीय जो पवन है उसका प्रतिरूप या पैटर्न अलग हो जाता है। कोहरे और मेघ निर्माण की बात अलग परिवर्तन होता है। वर्षा दर और उसकी आर्द्रता में टाइम टाइम पे परिवर्तन देखा जाता है, यानी मौसम और जलवायु में परिवर्तन नगरी उष्मा दीप के कारण होता है। पादपों वनों और पशुओं पे भी प्रभाव पड़ता है, यानी उच्च टेम्परेचर होने की वजह से पौधे की जैविक क्रियाओं में असंतुलन हो जाता है। विभिन्न जीवों में असामान्य रूप से व्यवहार उत्पन्न हो जाता है। पशु वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा ये हानिकारक हो जाता है, ठीक। अगला है कि शहरी उष्मा दीप से क्या उपचार है या इसके निजात पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। इसके निजात पाने के लिए हम लोगों को हल्के रंग के जो कंक्रीट का कलरफुल हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, उष्मा का अवशोषण ज़्यादा होता है। तो हम लोगों को हल्के रंग के कंक्रीट वगैरह यूज करनी है और साथ ही साथ छतों पर सफ़ेद कलर का उपयोग ज़्यादा करना है। इससे क्या होगा कि एल्बिडो बढ़ जाएगा। एल्बिडो यानी कि जो मान लीजिए कि सूर्य की किरणें आ रही हैं तो इससे परावर्तित जो किरणें हैं इसी को हम लोग एल्बिडो कहते हैं। परावर्तित किरणें जब ज़्यादा वापस मात्रा में जाएंगी रिफ्लेक्ट होंगी तो इसका मतलब एल्बिडो इसका बढ़ जाएगा। तो वाइट कलर
कलर करने से उसका छत का एल्बिडो बढ़ जाएगा, जिससे जो है उष्मा का अवशोषण अपेक्षाकृत कम होगा पहले से, कलरफुल जो होते हैं। ठीक, हरित छतों या उच्च परावर्तन कोटिंग्स का उपयोग करना चाहिए, हरित भवनों का निर्माण करना चाहिए। ठीक, साथ ही साथ शहरों में वृक्षारोपण पर भी बल देना चाहिए, जिससे शहरी उष्मादीप का जो ये उपचार हो सकता है। अगला है कि प्रौद्योगिकी और अवसंरचना में सुधार पर बल देना चाहिए, यानी कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप किया गया है उसमें थोड़ा सा अंतर रखनी चाहिए, उनके बीच का गैप थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए। ठीक, साथ ही साथ जो है ईंधनों का प्रयोग हो रहा है, शहरों के जो गाड़ियाँ चलती हैं जैसे आपका ऑटो रिक्शा वगैरह चलते हैं, इन सब से आपका जो मैक्सिमम सीएनजी वाहनों का ही उपयोग करना चाहिए, और न सीएनजी वाहन का तो बल्कि जो कोर एरिया है वहाँ पे ऐसे वाहनों को रोक देनी चाहिए। ठीक, वाहन का उपयोग बंद करके बल्कि वहाँ पे नॉर्मल वाहनों का उपयोग करना सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक, तो आपने देखा कि अब तक जो नगरी उष्मादीप क्या है, नगरी उष्मादीप के उत्तरदायी कारक क्या हैं। ठीक, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, कारक कौन कौन से, चार कारक हैं, प्रत्यक्ष प्रदूषण, उष्मा अवशोषण, वाहनों के द्वारा जो प्रदूषित किया जाता है वायुमंडल को, शहरी ज्यामिति और क्या प्रभाव इससे पड़ते हैं, ऊर्जा की मांग बढ़ जाएगी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन बढ़ जाएंगे, मानव स्वास्थ्य सुविधाओं पर खतरा हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन होगा, पादप और पशुओं पर प्रभाव पड़ेगा, उपचार क्या है इसके, कि इसके रेमेडीज़ में आप जो है छतों को सफ़ेद कलर कराइए, हल्के रंग का कंक्रीट यूज करिए, भवनों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप उसमें ग्रीनरी करिए। ठीक, जो सीएनजी वाहनों का अधिक उपयोग जो है शहरों में सुनिश्चित करना चाहिए। अगला टॉपिक है मृदा प्रदूषण। ठीक, जल प्रदूषण था और वायु प्रदूषण बचा था, उसको इसलिए नहीं देखे कि दोनों को एक साथ देखा जाएगा और वो काफ़ी बड़े टॉपिक हैं, तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वजह से हमने सोचा कि उसको नेक्स्ट डे कराएंगे। ठीक, तो मृदा प्रदूषण या सॉइल पोल्यूशन के बारे में देखते हैं, तो सॉइल पोल्यूशन क्या है इसके बारे में जानते हैं। ठीक, उसके बारे में जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि सॉइल क्या है। ठीक, यानी कि मृदा क्या है। मृदा जो है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की, ये पदार्थों से बनी होती है और ऊपरी परत होती है धरातल की या भूपरपटी की। ठीक, ये नॉर्मल एक आपका है, और या तो आप कह सकते हैं कि मृदा ऐसे पोषक पदार्थों का पदार्थों से बनी होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे या वनस्पतियां अपना जैविक क्रियाएं संपादित करती हैं। ठीक, अगला है किसी भी मृदा का प्रदूषण। मृदा प्रदूषित कैसे होती है, भौतिक, रासायनिक और जैविक स्वरूप में परिवर्तन करने वाले कुछ हानिकारक जीव या विषाक्त जब मृदा में शामिल हो जाते हैं तो इससे क्या है, मृदा प्रदूषित होती रहती है। ठीक, तो इसे जो ये विषाक्त पदार्थ होते हैं या तत्व होते हैं, इसे हम लोग सॉइल पोल्यूटेंट से हम मृदा प्रदूषक कहते हैं, और इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को हम लोग क्या कहेंगे, मृदा प्रदूषण कहेंगे। ठीक, सतही अपवाह के माध्यम से या निक्षालन के द्वारा हानिकारक पदार्थ जो है वो क्या होते हैं, मृदा में मिल जाते हैं। निक्षालन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये आपका जैसे जो मृदा के कण होते हैं, यानी कि ऊपरी परत जो में जो जमा होते हैं विषैले पदार्थ वगैरह, तो ये आपका लीचिंग प्रक्रिया के द्वारा यानी निक्षालन प्रक्रिया के द्वारा मृदा में विलीन होते रहते हैं। ठीक, रोगजनक जीवाणु, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, विषाक्त धातुएं आदि आपका मृदा को प्रदूषित करती हैं, तो जिससे क्या है कि विषाक्त रसायनों से खाद श्रृंखला में यदि रसायन ये प्रवेश कर जाएंगे तो इससे क्या होगा कि गंभीर जैविक और मानवीय क्षति का कारण बन जाते हैं ये सभी। ठीक, प्रदूषित जल भी मृदा प्रदूषक होते हैं, प्रदूषित जल भी ये मृदा को प्रदूषण करते हैं। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक, कांच, धातु, जैव पदार्थ, सीवेज या ऐसा कचरा जो घरों में, व्यवसाय या औद्योगिक संस्थानों से निकलता है, ये सभी क्या है, मृदा प्रदूषण करते हैं। ठीक, मृदा प्रदूषण के कुछ स्रोत हैं, अन्य स्रोत जिसका आप डिटेल्ड में यदि आपको निबंध या एकेडमिक में लिखना है तो आप इसको और डिटेल कर सकते हैं, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो मृदा प्रदूषण के स्रोत की बात करें तो अम्ल वर्षा,
अम्ल वर्षा के बारे में आप जानते हैं, अम्ल वर्षा होने से मृदा प्रदूषित होने लगती है, ठीक। साथ ही साथ कृषि में अवशिष्टों का उपयोग करने से, कृषि में अवशिष्ट का उपयोग करने से क्या होगा कि जो उससे निकलते हैं अवशिष्ट, उसका उपयोग करने से वो क्या होंगे, मृदा में विलीन होंगे, और मृदा में विलीन होने से उसकी उर्वरता आदि पर प्रभाव पड़ेगा। उर्वरकों व रसायनों का अधिक प्रयोग, उर्वरकों और रसायनों के अधिक प्रयोग की वजह से मृदा की जो उत्पादक क्षमता होती है, उसकी उर्वरा शक्ति जो है उसमें कमी आती है, और न केवल कमी आती है बल्कि इससे कुछ ऐसे तत्व जो उन फसलों में मिल जाते हैं, जैसे यूरिया वगैरह के बहुत ज़्यादा उपयोग करने से, उर्वरकों का उपयोग करने से कि आपका जो अनाज होगा उसमें उसकी मात्रा बढ़ जाती है, ठीक। जब उसका मात्रा बढ़ेगा तो हमारे शरीर में भी उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ेगी, और जब शरीर में बढ़ेगी तो सब आप जानते हैं कि शरीर में सभी तत्वों की मात्रा लगभग संतुलित बनी है, और जब संतुलित बनी है तो वो शरीर में प्रवेश करके इसका बैलेंस बिगाड़ देते हैं, और जब बैलेंस बिगाड़ देंगे तो इस वजह से आपका उर्वरक और रसायन मृदा प्रदूषण को प्रभावित करेंगे, ठीक। वनोन्मूलन और अवैज्ञानिक कृषि, वनों को काटने की वजह से भी जो मृदा का अपरदन होता है, मृदा अपरदन होने की वजह से मृदा का प्रदूषण होता है। अवैज्ञानिक कृषि भी इसका एक उत्तरदायी कारक है। रेडियो एक्टिव अवशिष्ट, ठीक, रेडियो एक्टिव अवशिष्ट आपका जो रेडियो एक्टिव संस्थान है या फिर आपके जो परमाणु भट्टियाँ वगैरह हैं, इनसे जो कचड़े निकलते हैं, इसको जब जहाँ पे रखा जाता है वहाँ की जो मृदा है रेडियो एक्टिव पदार्थ उससे क्रिया करते हैं और मृदा को प्रदूषित करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है खनन से उत्पन्न अपशिष्ट। खनन प्रक्रिया जब होती है तो उसके द्वारा भी अपशिष्टों का निर्माण होता है, तो जिस वजह से भी मृदा का प्रदूषण होता है, ठीक। औद्योगिक और नगरीय अपशिष्ट, औद्योगिक और नगरीय अपशिष्ट भी मृदा को प्रदूषित करते हैं, जैसे आपका नगरों से जो अवशिष्ट निकलते हैं खरपतवार आदि, जब ये मृदा के पास या कहीं कूड़ेदान में डाले जाते हैं तो वहाँ के आसपास की मिट्टी को बर्बाद कर देते हैं, उसमें प्रदूषण उत्पन्न कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो मृदा के स्रोत का, जो प्रदूषण का स्रोत है उसका वर्गीकरण कर लेते हैं, तो दो टाइप में हम लोग देखेंगे, प्राकृतिक और मानव जनित दो स्रोत हैं। एक आपका प्राकृतिक जो जनित स्रोत है, इसमें क्या होता है कि मृदा में पहले से उपस्थित रोगजनक जीवाणु इसमें पाए जाते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, मृदा अपरदन हो गया, प्राकृतिक आपदा हो गई, ठीक, तो इस वजह से भी आपका मृदा में प्रदूषण होता है। दूसरा है मानव जनित प्रदूषण। मानव जनित प्रदूषण कहते होता है एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस में आपका जो औद्योगिक प्रवाह से हानिकारक गैस और रसायन निकलते हैं, उद्योगों से उत्सर्जित विसर्जित गैसें अम्लीय वर्षा का भी कारण बनती हैं, सेप्टिक प्रणाली का अनुचित प्रबंधन और रख रखाव, अपशिष्ट रिसाव, डंपिंग क्षेत्र और निकटवर्ती जल निकायों में गंदे जल का निष्कासन भी इसका एक प्रमुख कारण है, ठीक। अगला कारण है इसमें नाभिकीय अपशिष्ट। नाभिकीय अपशिष्टों का अवैज्ञानिक निपटान भी इसका एक प्रमुख कारण है, ठीक। तो इसके द्वारा भी मृदा दूषित होती है, इसके परिणामस्वरूप मृदा में अनेक प्रकार के हानिकारक परिवर्तन देखे जाते हैं। अगला है कि गैर जैव निम्नीकरण का प्रयोग। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का प्रयोग करने से क्या होगा कि मृदा के जलमार्ग में बाधा उत्पन्न होती है और इसकी जल ग्रहण क्षमता को भी प्रभाव पड़ता है, ठीक। स्वचालित वाहनों से रिसने वाला ईंधन वर्षा जल के साथ प्रवाहित होकर समीपवर्ती मृदा में संचित हो जाता है, ठीक। तो ये सभी कारण रहे। अगला हम लोग देखते हैं कि मृदा प्रदूषण के प्रभाव क्या हो सकते हैं। प्रभाव की बात करें तो इसकी वजह से खाद्य श्रृंखला डिस्टर्बेंस हो जाती है। मृदा प्रदूषण के कारण कृषि हेतु अनुकूल जो विभिन्न जीवाणु है, केचुआ आदि की मृत्यु हो जाती है, जिससे जो पूरा फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक। पोषक तत्वों का ह्रास, मृदा अपरदन में वृद्धि के फलस्वरूप मृदा के प्राकृतिक पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, जिससे फसल उत्पादन और उसकी गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की बात करें तो पादप विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों को मृदा से ग्रहण करते हैं, जो उनके उत्कों में संचित होकर प्राथमिक उपभोक्ता समूह तक पहुँचते हैं,
ठीक, प्राथमिक उपभोक्ता समूह पहुंचने के बाद ये प्रदूषक द्वितीय और तृतीय और अंतिम उपभोक्ता तक भी ये जाते हैं, तो यानी कि पूरी खाद्य श्रृंखला को यहाँ पहुंचाते हैं। इस वजह से स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। फल उत्पादन पर प्रभाव, मृदा प्रदूषण नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया को मंद कर देगा, जिससे फल उत्पादन में भी अवरोध हो जाएगा। मृदा प्रदूषण के कारण जल प्रदूषण में भी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, जिससे घातक और संक्रामक रोगों की भी आवृत्ति होगी। ठीक, मृदा उर्वरता में कमी, कीटनाशक की उच्च मात्रा में तांबा, जस्ता, पोटास आदि की खनिज मात्रा बढ़ा देती है, जिससे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और मृदा उर्वरता भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है मृदा में अम्लीयता। मृदा में अम्लीयता अत्यधिक सिंचाई और उर्वरक का जब प्रयोग किया गया तो कुछ समय बाद क्या होगा कि मृदा में जो एसिडिफिकेशन हो जाएगा यानी अम्लीकरण हो जाएगी। इसका प्रमुख उदाहरण आप हरियाणा और पंजाब राज्यों में देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं मृदा प्रदूषण का रोकथाम। यदि मृदा प्रदूषित होगी, रोकथाम करने के लिए आपको क्या करना है, कागज और प्लास्टिक का जो है या उससे निर्मित जो वस्तुएं हैं उसका पुनर्चक्रण किया जाए, प्लास्टिक बैग का प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए जो मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ठीक, साथ ही साथ मृदा प्रदूषण की रोकथाम है तो जैव उपचार तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए, उर्वरक खरपतवार नाशक सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, वृक्षारोपण एवं मृदा अपरदन रोकने की तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, जैविक उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक, जैविक उर्वरकों का प्रयोग में बढ़ावा देना चाहिए और मृदा प्रदूषण रोकथाम के लिए जैव उपचार तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, उर्वरकों का भी सीमित उपयोग करना चाहिए और राइजोबियम जैव उर्वरक जो राइजोबियम बायोफर्टिलाइजर है इसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे मृदा की उर्वरता में वृद्धि होगी। साथ ही साथ फसल चक्रण भी करना चाहिए। फसल चक्रण से क्या होगा कि जो आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण फसलें हैं जैसे दलहनी फसलें के प्रयोग से क्या होगा कि मृदा में जो उर्वरक क्षमता है उसमें थोड़ा बहुत वृद्धि होती है। ठीक, DDT व अन्य हानिकारक रसायनों का पुनर्चक्रण करना चाहिए यानी रिसाइकलिंग करना चाहिए। DDT यानी कि डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक, इसका फुल फॉर्म है DDT का, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे और ये आपका ऑलमोस्ट 22-25 मिनट का वीडियो हुआ है। ठीक, यदि इसमें हम लोग कुछ और आप देखना चाहें थोड़ा बहुत डिटेल में तो आप गूगल कर लीजिएगा या आप किसी माध्यम से देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे जो आपके लिए आवश्यक था हमने उसको बता दिया। ठीक, एक बार फिर से इसको क्लियर कर लीजिए कि मृदा प्रदूषण में क्या है, स्रोत का वो आपने देख लिया। ठीक, स्रोत का वर्गीकरण भी देख लिया, इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं और रोकथाम क्या है। ठीक, कोई भी टॉपिक आप पढ़िए तो उस टॉपिक की आवश्यकता हमको पढ़ने क्यों पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी टॉपिक आपके लिए इंक्लूड की जाती है, आपके लिए वो सम्मिलित की गई है सिलेबस में, तो उसका न कोई उद्देश्य रहता है कि उससे कोई न कोई जानकारी आपको बढ़ेगी। ठीक, तो मृदा प्रदूषण से आपको जानकारी बढ़ेगी। ठीक, वैज्ञानिकता आपके अंदर आएगी, आप आसपास के लोगों को समझा सकते हैं। ठीक, तो इस वजह से ये टॉपिक इसमें इंक्लूड किया गया है। राइट, तो अब इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।